कचौड़ी मिली, काफ़ी टेस्टी है, खा ले भाई अब और क्या ले। तो आइए लेकर के चलते हैं अब आपको ओंकारेश्वर के दर्शन कराने के लिए। भस्म आरती के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है हमें मार्केट जाकर के ओंकारेश्वर के लिए जो बस मिलती है उसकी टिकट्स बुक करानी पड़ती हैं, और जो बस आपको मिलती है वो मिलती है आपको चारधाम बस स्टॉप से, जिसका डिस्टेंस मार्केट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको आप पैदल भी जा सकते हैं मार्केट से निकल के। आप तो दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है और ओंकारेश्वर मिलते हैं। अभी हम फिलहाल जो है हमने उज्जैन में जो है हमने क्यू में लगे थे जो भस्म आरती थी उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया लगभग 5:30 बजे के आसपास, हम जो है लाइन में लगे थे और 7:30 बजे के आसपास हमारा 8 बजे के आसपास हमारा नंबर आया, तो वहाँ पे हमने फॉर्म लेके सबमिट करा दिया और सबमिट कराने के बाद तुरंत हम ओंकारेश्वर के लिए निकल चुके हैं। सो अभी ऑन द वे हैं, रास्ते में अभी 60 से 70 किलोमीटर के आसपास जो है अभी हमारी बस रुकी है, कुछ खाने का ले रहे हैं। तो हर जगह में पोहा और ढोकला ही ज़्यादातर मिल रहा है खाने के लिए। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर मंदिर में, जो कि एक 12 में से 1 ज्योतिर्लिंग है, और इसका जो रास्ता है वो हमें बोट से पार करना होगा, और पर पर्सन जो इसका चार्ज 50 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है पर पर्सन का। तो मिलते हैं अभी बोट में, आपको दिखाते हैं रास्ता यहाँ से। तो ये मंदिर के साथ साथ आपको रास्ते में जो रिवर है नर्मदा, इसका डैम मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से आपको ये ओंकारेश्वर का मेन मंदिर है। चलिए बैठते हैं बोट पे और आपको बोट दिखाते हैं। भैया आप ही की बोट है? अच्छा हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा हाँ हाँ भाई ठीक है। यही मोटर है जिससे एक्सेस कर रहे हैं पूरी बोट को। तो इसको स्टार्ट होता हुआ देखना। तो बोट को स्टार्ट होता हुआ देख लो। आवाज तो बिल्कुल ऑटो वाली है। मजा पूरा आने वाला है। ये भाई हमें दिल्ली के मिल गए हैं। क्या नाम है भाई आपका? रक्षित नाम है भैया। दिल्ली में कहाँ से हो? नजफगढ़ से। और ये दूसरे भाई हैं जो हमारे दिल्ली से हैं। क्या नाम है भाई आपका? कुशाल, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से हो? मायापुरी से।
हाँ भी दीपक एक्सपीरियंस बता अपना। तो भाई कह रहा है भाई को डर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके डर इसका निकालेंगे। हमारा रास्ता जाने के लिए ऊपर, ज़्यादा दूर तक का सफ़र नहीं था, सफ़र हमारा थोड़ा सा ही था। बस मान के चलिए कि उस लोकेशन से हम पूरा गोल घुमा के थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे ला के ड्रॉप करा है, उसके बाद अब यहाँ से हम जाने वाले हैं। तो ये मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये आपको जस्ट बोट से उतरते ही ऊपर चढ़ना है। तो हमें एक पंडित जी मिले हैं जो कि हमें जल अर्पण करवाएंगे। 251 रुपये बता रहे हैं। जल अभिषेक करोगे? हाँ, जल अभिषेक सही करवा दिया पंडित जी ने। तो कोशिश करेंगे आपको गर्भगृह के अंदर की वीडियो दिखाने की, बाकी अलाउड तो नहीं है लेकिन अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। तो ये ओमकारेश्वर मंदिर है। तो ये प्रसाद हमने लिया है, आप देख पा रहे हैं। और ये मंदिर में तो ये मंदिर में गर्भगृह में जाने का रास्ता है, देखते हैं अंदर, कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। आगे बढ़ो।
महाकाल बाबा की। लगा लिया प्रसाद। रक्षित रक्षित फोन पकड़, फोन पकड़े। आगे जा विपिन, फोन पकड़ना है, ऊपर कर ले फोन। धक्का बहुत दे रहा है, पीछे धक्का आ रहा है। पात्र में, 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 आया। तो पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अमित शर्मा है। तो इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताइए। ये चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग अपने भारत वर्ष में बारह ज्योतिर्लिंगों में से ओंकारेश्वर का नंबर चौथा है, चौथे स्थान पर आता है। पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ है, दूसरे नंबर पे मल्लिकार्जुन है आंध्रा में है, तीसरा है उज्जैन में महाकालेश्वर है, चौथा श्री ओंकारेश्वर है, पाँचवा पंडली वैद्यनाथ है, छठवा भीमा शंकर है, सातवें नंबर पे सेतबंद रामेश्वर, आठवें नंबर पे नागेश्वर द्वारका में गुजरात में, नौवें नंबर पे काशी विश्वनाथ, दसवें नंबर पे आते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, ग्यारह नंबर पे आते हैं बाबा केदारनाथ, ये ग्यारहवें नंबर पे आते हैं, बारहवा नंबर ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर जो अजंत एलोरा के बिल्कुल पास में है, ऐसे करके बारह ज्योतिर्लिंग है जिसमें ओंकारेश्वर का स्थान चौथे नंबर का है। ये ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि ये पूरा आकार जो पहाड़ी है पूरा ओम आकार में बनी हुई है, ओम के शेप में पूरा टापू है ये, जहाँ अपन बैठे हैं 11 किलोमीटर का ये टापू है, इसके चारों तरफ नर्मदा जी की जल है, नर्मदा जी उधर से भी आती है, नर्मदा जी इधर से भी जाती है, आगे जाके दोनों का संगम होता है। अपन 20 टापू पर बैठे हैं और ये नेचुरली शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुए, शंभु ज्योतिर्लिंग दो ही है, एक त्र्यंबकेश्वर है जो महाराष्ट्र में है, एक ओंकारेश्वर, बाकी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, जैसे रामेश्वर में श्री रामचंद्र जी ने की है, उज्जैन में विक्रमादित्य राजा ने की है, ऐसे करके सभी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, और दो ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। ये ओंकारेश्वर का इतिहास है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 5000 साल पुराना ओंकारेश्वर का मंदिर है जो पांडवों द्वारा बनाया गया है, अज्ञातवास में पांडव आए थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, ये यहाँ की पूरी कहानी है। बोलो ओंकार महाराज की जय। आप कभी भी अगर ओंकारेश्वर मंदिर आते हैं तो ये उसके नज़दीक में बिल्कुल पास में माँ मलेश्वर मंदिर के नाम से शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने के लिए ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, तो ये ज़रूर देखिएगा। वे उल्टा घुमा दिया क्या? उधर से, उधर से आना है, उधर से ये जाने का।
चलो एक साइड में हो जाओ, निकल जाने तक अभी हमने ओमकारेश्वर के दर्शन भी कर लिए हैं, उसके पास में नदी के जो दूसरी तरफ था वो ममलेश्वर महादेव का मंदिर था, उसके भी दर्शन अभी हमने कर लिए हैं। सो ये अभी आप देख रहे हैं तो ये न्यू बस स्टैंड है जो कि कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे बताते हैं बना है। सो जो भी बसेज आती हैं उस बसेज के बाद यहीं पर उनका स्टॉप होता है, उसके बाद यहीं से आपको ऑटो मिलेगा जो कि पर पर्सन 10 रुपये में आपको जो है मंदिर की तरफ आपको छोड़ेगा। वहाँ से आप जो है नाव करके जो है उसके बाद आप उसी साइड पे जा सकते हैं जिस साइड पे आपको जो है ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन मिलेंगे करने के लिए। सो कैसा लगा भाई? बढ़िया भाई, वो सब एमपी में दोबारा आएंगे। तो यहाँ की रोड्स कैसी थी? रोड बहुत बेकार और जो हवाई जहाज अपने ड्राइवर ने बना रखा था वो हरियाणा रोडवेज वाले विलेज के आगे, तो भाई इतना ओवरटेक मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और भाई दीपक हमारा उस गड्ढे वाली रोड के ऊपर भी बहुत जबरदस्त तरीके से सो रहा था अब वो कैसे पॉसिबल था पता नहीं भाई। ये भाई तो वैसे भी दो बार आ चुका है भाई, तो वैसे मैं तो सेकंड टाइम है। सेकंड तो भाई अभी तक जो है ये आप जा चुके हो काफी सारे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और कितने ज्योतिर्लिंग अब तक कर चुके? मेरे ख्याल से पांचवा है। कौन कौन से हुआ है? मेरा एक तो केदारनाथ हो गया है, ठीक है, सोमनाथ नागेश्वर जो गुजरात में है, ठीक है, चौथा ये हो गया है, और पांचवा महाकाल। सुबह 4 बजे। तो अभी इसके बाद अगला क्या प्लान कर रहे हो? अगला प्लान ये है मैं अपने भाई गुरक्षित को लेके जाऊंगा गुजरात में, उन वो जो दो ज्योतिर्लिंग जो इसके रह गए हैं वो करके फिर हम सीधा वहाँ पे जाएंगे रामेश्वरम। चल भाई बहुत बढ़िया।